वृंदावनात होळीच्या उत्सवाला सुरुवात झाली आहे. रंगांची उधळण करत सारा उत्तर भारत पुढचे काही दिवस आनंदात बुडून जाण्यासाठी सज्ज झाला आहे. रंगभरणी एकादशीच्या निमित्तानं मथुरा आणि वृंदावनातल्या सगळ्याच प्रमुख मंदिरांमध्ये पारंपरिक संगीताच्या तालावर रंगांची उधळण करण्यात आली. रंगभरणी एकादशीला पिचकारीनं रंगाची उधळण्याची परंपरा आहे. ब्रजप्रदेशातल्या नंदगावात लठमार होळी अनुभवण्यासाठी देशविदेशातून लोक येतात. बघूया या लठमार होळीचा आमच्या बातमीदारांनी घेतलेला आढावा. नंदगांव में लठमार होली की अनोखी ही छटा देखने को मिल रही है. आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी खूबसूरत होली देखने को मिल रही है. लेकिन जितनी खास यहाँ की होली होती है उतनी ही यहाँ पर खास जो क्राउड होती है उसका नज़ारा अपने आप में देखने को मिलता है. आप मैं दिखाना चाहूँगी, देखिए नंदगांव की रंगीली गली और हर एक गली का आप छत पे देखिए किस तरह से कितनी भीड़ कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं. हर छत पे आप देखेंगे अलग अलग शहरों से लोग पहुंचे हैं. आइए कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं. ऐसी एक छत पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर भी लोग आए हैं. हम न्यूयॉर्क से आए हुए हैं. यहाँ इतना होली का जो आनंद है हम यहाँ ही रहना चाहते हैं. ऐसा हो गया जी. अच्छा, यहाँ के जो लोग होते हैं होली भी अनोखे स्टाइल में बोलते हैं. वो बोलते हैं हो हो होली 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 रे रसिया हो हो. उनके चेहरों पे इतनी मुस्कान है और हर एक छत पे इसी तरह का जमावड़ा देखने को मिल रहा है. तभी कहते हैं कि ब्रज की होली अपने आप में सबसे खास है सबसे खूबसूरत है. नंदगांव से कैमरामैन राजेश चौहान के साथ शिल्पा पुंडी, इंडिया 24/7. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.